सो गाइस इस टाइम हूँ मैं वर्कशॉप में, ऊपर जहाँ प्लॉट कटे हैं बड़े सारे घर बने हैं। तो एक घर पे आया हूँ मैं, यहाँ सारा सामान हमारे शॉप से गया, पत्थर की चिनाई है यहाँ हुई, और यहाँ सारा सामान हाईबर्ड कंपनी के मॉड्यूल बॉक्स लगे हैं, GI 4 मॉड्यूल का बॉक्स हाईबर्ड कंपनी, डी प्लास्ट की पाइप पे ये लगा है जंक्शन बॉक्स, दीवार में यहाँ लगेगा कल को एंगल होल्डर या लाइट लग सकती है कोई भी, या एसी लग सकता है कल को। और ये है यहाँ फैन बॉक्स है लगा ऊपर लेंटर पे, ये लगा है कंसील्ड बॉक्स, ये लगा है कंसील्ड बॉक्स, यहाँ कंसील लाइट लगेगी कल को लेंटर पे। ये मॉड्यूल बॉक्स होते हैं, ये डी प्लास्ट की पाइप है, ये है बैंड, ये है जंक्शन बॉक्स, दीवार की पाइप है 25 mm की, और लेंटर का सामान भी मार से गया था। ये 12 मॉड्यूल का बॉक्स हाईबर्ड कंपनी, ये MC बक्सा जिसमें MC भी लगेंगे कल को, ये बैंड है इसके साथ, ऐसा है। ये ड्राइंग रूम है इनका, टीवी के पॉइंट रखा है, ये ऊपर लाइट रखी है, और ये है ऊपर फैन बॉक्स, ये कंसील्ड बॉक्स, ये है 12 मॉड्यूल का बॉक्स, बाहर गैलरी है ऐसी, बैक साइड ऐसा नज़ारा है तगड़ा, और ऊपर छत डलनी है, बैक साइड को ऐसा नज़ारा है, किसी दिखा नहीं सकते किसी और का घर है, प्लस्तर हो रहा है यहाँ पे, प्लस्तर के बाद ऐसे लगते हैं गाइस, ऐसी फिनिशिंग आएगी। ये देख लो आप, फैन बॉक्स बीच में है, साइड में कंसील्ड बॉक्स है, और एक कमरे में बड़ा बोर्ड लगा है 12 मॉड्यूल का, जिससे लाइट लुइट ऑन होगी कल को, यहाँ पे काम चालू है गाइस। ये बेड पॉइंट देखो कैसे दिए इन्होंने, 6 मॉड्यूल का बॉक्स, 6 मॉड्यूल का बॉक्स, यानी कि मान लो कि मैंने वहाँ चार्जिंग पे लगाना है अपना पॉइंट, एक चार्जर लग जाना, एक ट्यूब वे लग जाना, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से आया, मैंने एक बटन दबाया, लाइट ऑन हो गई, मैं सोऊंगा रात को, तो यहाँ सोते सोते मैं बटन दबाऊंगा, वही वही कमरे की लाइट बंद हो जाएगी, इसलिए बेड पॉइंट है दोनों तरफ को, चार्जिंग भी लगानी हो तो चार्जिंग भी हो जानी बेड पॉइंट में, ट्यूब वे भी लग जाना, पावर का सॉकेट भी लग जाना, मान लो मैंने हीटर चलाना है या तो हीटर भी चल जाना है मुंह के आगे। ऐसा है गाइस, बाहर को गैलरी बड़ी अच्छी रखी है इन्होंने, चाय चुई पीने बैठना हो, कपड़े सुखाने हो, कुछ भी हो तो आराम से। सामने वाला घर भी बड़ा सुंदर सा बना हुआ है, ऐसा एरिया है वर्कशॉप कुल्लूम। सर बता रहे थे बैक साइड से रास्ता है पौड़ियों का, यहाँ से ऊपर आएंगे, किराएदारों के लिए बनाए हैं 2 सेट। अब एक सेट का दिखा लेता हूँ मैं आपको, कि जैसे ये एंट्री है एक सेट की, एक बड़ा कमरा है, यहाँ बेड लग सकता है और ड्राइंग रूम भी बन सकता है, मतलब टीवी वगैरह सारा हो सकता है, वहीं से आगे को रास्ता है, और यहाँ पे एक किचन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ एक एक रास्ता ये भी है, अगर दूसरी तरफ से जाना हो तो यहाँ से भी है रास्ता, दूसरी तरफ से भी जाना हो तो दूसरी तरफ से भी जा सकते हो। और ये बाथरूम है आपका, जैसे आप देख सकते हो ये बाथरूम है, और ये एक कमरा एक ही है, बेडरूम एक ही है, एक बार था ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, बेडरूम में भी कमरे लगे, बेड लग सकते हैं डबल बेड, यहाँ भी लग सकते हैं डबल बेड, और बाहर किराएदारों के लिए, सोचो गाइस किराएदारों के लिए गैलरी कितनी बड़ी है, और आगे फ्रंट में पत्थर की चढ़ाई है, और किराएदारों के लिए देखो नज़ारा देखो गाइस, यहाँ है पैसे लगा के फायदा, मतलब कि किसी ने रहना हो तो ऐसी जगह रहो, देखो 3-4 तरफ से नज़ारे हैं बाहर को, बाहर का नज़ारा देखो गाइस, बगीचा देखो, ये है जगह हर कुछ, तो सोच समझ के बनाए। और ये भी है कि पॉइंट कम नहीं दिए गाइस, बेड का पॉइंट बकायदा दिया गया है यहाँ पे, सामने के पॉइंट पूरे टीवी के लगाना हो तो तीनों तरफ को पॉइंट दिए हैं, कल को कुछ भी हो तो कुछ भी लगाना हो किराएदारों ने भी, तो बाथरूम भी ठीक बड़ा है, बाथरूम भी बड़ा बनाया इन्होंने, ठीक है। मेन क्या गाइस की जगह जो है यहाँ से नज़ारा अच्छा, धूप चारों तरफ से और तीनों तरफ से तो धूप है ही है, बैक साइड से भी फ्रंट से भी, और ये पौड़ी ऊपर को जाती है गाइस, जिस हाइट पे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे नज़ारा बढ़ता जा रहा है, अच्छा दूर दूर तक दिख रहा है एरिया, बगीचा, पहाड़, बिजली महादेव का पहाड़ है, मणिकन साइड है, सब कुछ बड़े आराम से दिख रहा है यहाँ से, तो ठंडी साफ हवा चली है, धूप है, बैक साइड को बड़ा अच्छा एरिया है, पहाड़ है, पत्थर की चढ़ाई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे होटल वोटल नहीं होता है,
वैसे वैसा आ रही है फीलिंग होटल की। छत भी बड़ी अच्छी डिजाइन से बनवाई है इन्होंने, बिजली वाले भाई लगे हैं काम पे। गाइस ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम देख लो क्या तगड़ा चगी जगह है, कैसे बनाया है, क्या शेप बनाई है ड्राइंग रूम की। क्या नज़ारा है देखो, दोनों तीनों टाइप को है साइड को, सबसे अच्छी साइड में से एक ही है बगीचे वाली। ऊपर को देखो शेप उसके बनाया है, छत कैसे बनाई है। अभी यहाँ चढ़ाएगी, अभी यहाँ काम होने बाकी है बिजली का, बाकी तो हो गया सारा। सर बता रहे थे सर यहाँ ऊपर आप रहेंगे, किचन हाँ है गाइस सर बता रहे, यही सर ये बेडरूम बाथरूम दो, ये बैथरूम एक है। उसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है। अच्छा एक थोड़ा जगह से कल कोई बंद हो जानी दीवार। हाँ इधर अलमारी बन जाएगी, हाँ ये अलमारी बननी है, ये बेडरूम हो गया, इसके बाद फिर बालकनी है। बालकनी बड़ी अच्छी है इन्होंने खुली छोड़ी है, चौड़ी चौड़ी बालकनी वाला कंसेप्ट मेरे को बड़ा सही लग रहा है सर का। यहाँ देखो यहाँ एक तरफ को और अच्छा नज़ारा है, पीछे पहाड़ है और यहाँ वो भी है गुरुद्वारा भी है, शांत एरिया है। इधर छत लग गई ना इसके ऊपर, परे तक जाने थोड़ा रह गया, बस यही दीवार रह गई ऊपर उधर करने में, बाकी बाहर निकाल दिया। ऊपर सर चाहो है गाइस, ये बनेगा मॉड्यूलर किचन सर बता रहे थे अभी मेरे को, देख लो कैसा बनाया है इन्होंने। ये किचन का स्टोर होगा छोटा किचन का सा, स्टोर भी है गाइस, कुछ भी रखना हो तो आटा अच्छा चावल या फिर सिलेंडर ये वो, एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट। हाई बोर्ड ये था गैस आज का, एचडीओ साहब का घर। ये क्या गैस, गैस सर बता रहे थे यहाँ पे खिड़की लगेगी यूपीवीसी की, बनी बनाई आएगी खिड़की और सीधे फिट होएगी, तो ऐसे ऐसे डिजाइन है यहाँ पे इस घर पे। ये बेडरूम आ जाएगा ऊपर अटैच में, अटैच बाथरूम होगा मेहमानों के लिए, उनसे मालूम है बेटे को दे देंगे। ऊपर के फ्लोर सर आपने अपने लिए रखने हैं ना, हाँ ये बाथरूम, बड़ा बाथरूम, बाथरूम और स्टोर बनाया है इन्होंने अभी। मास्टर बाथरूम बनेगा, ठीक है। ये आज दूसरा बन जाएगी ड्रेसिंग रूम छोटा यहाँ पे सा, अलमीरा जगह पूरी बनाई हुई है, अलमीरे के लिए अलग है, बाथरूम के लिए अलग है, रूम के लिए अलग है। यहाँ हवा बड़ी अच्छी चल रही है मेन, तो ये मेरा है पूजा का स्थान, पूजा का स्थान, यहाँ पौड़ियाँ बढ़नी होगी, पौड़ी बढ़ने यहाँ लकड़ी पौड़ियाँ बढ़नी हो। लकड़ी देखो गाय सबसे ऊपर पूजा का स्थान हो भी, सीधे बिजली महादेव का पहाड़ होगा सामने और धूप सीधी आएगी यहाँ पे, खिड़की से सीधी धूप आएगी, वहाँ मंदिर बना रहे हैं, पूरा सोच समझ के हो रहा है काम। और ये जो है ये कपड़े धोने के बाथरूम छोटा सा जनरल बाथरूम हाँ जिसको गाइस ये बोलते मैं हैं, मेन बताना चाहता, जैसे सर ने बोला कि बाथरूम बना रहे हैं अलग ही, तो आजकल जो वॉशिंग मशीन आ रही है ऑटोमेटिक, वो ज़्यादा हिल नहीं चाहिए, उसके लिए पानी अलग चाहिए निकासी और उसमें भाफ नहीं जानी चाहिए, तो बाथरूम में भाफ जाती थी वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिकली, जब मान लो सर्दियों में बना रहे हैं तो गर्म पानी से भाफ जाएगी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, इसलिए इन्होंने बात कपड़े धोने के लिए अलग ही एक बना दी है रूम टाइप छोटा सा, ये स्टोर हो गया स्टोर हो गया जनरल गाइस, स्टोर। जनरल स्टोर, कुछ भी रखना हो तो कल को जो भी बच गया सामान तो वो ये रख सकते तंदूर हैं। हाउस बनेगा, ये तंदूर, तंदूर के लिए कमरा तंदूर के देख लो लिए यहाँ गैस, तंदूर लग जाएगा, यहाँ से बंद सबसे हो ऊपर जाएगा, देखो किन्ने से यूपीवीसी से बंद हो जाएगा। कितना तगड़ी चीज बनाई है, ऊपर ही सबसे ऊपर तंदूर है, नज़ारा देख लो गैस बाहर का, ऐसा है आस पड़ोस टेरेस टेरेस ओपन बना गैस, टेरेस, ओपन टेरेस, यहाँ बैठ के आप चाय चुई पी सकते हो गर्मी कुछ भी।
किसने बुनना है कुछ सॉक्स सॉक्स बुननी है वो कर सकता है, या फिर आराम से बैठ सकते हो। पढ़ने वाले बच्चे के लिए बड़ा अच्छा है जगह, शांत एरिया है। ये था गाइस आज का टूर, नज़ारा देख लो यहाँ से कितना बड़ा एरिया दिख रहा है, शमशी बुंदर तक दिख रहा है। और सर सबसे ग्राउंड फ्लोर पे ले जा रहे हैं हमारे को वहाँ दिखाने के लिए कि वहाँ क्या बनेगा। अब गाइस ये पार्किंग है, इतना बड़ा एरिया नहीं क्या है, ये सारी दीवार के अंदर का ये कवर पार्किंग हुई है। अगर किसी की गाड़ी अपने सेफ रखनी हो तो धूप ना पड़े उसमें, कलर उसका फेड ना हो, तो उसके लिए टैंक बनाए हैं गाइस खेलने के लिए, बच्चों के लिए बरांडा बरुंडा भी है यहाँ। ड्राइंग रूम आ गया सर गाइस, ये बाथरूम है गाइस यहाँ। ये साथ में किचन है, ओपन किचन है, और ये बेडरूम है गाइस बड़ा है। सर्वेंट रूम भी है गाइस यहाँ पे, डिजाइन बहुत बढ़िया है गाइस बनाया ना मैं। इसकी एंट्री दूसरी तरफ से है, सो गाइस दूसरे रूम सर दिखाने जा रहे हैं हमारे को बाहर से। प्लास्टर पे बड़ा अच्छा डिजाइन डाला है इन्होंने, ऊपर जीरो बज रही है और नीचे ये डिजाइन डाला है बड़ा सही। ये रूम होगा गाइस अलमीरा, यहाँ बनेगी एक एक है सर किचन बना दे किचन, अच्छा हाँ छोटा किचन बन जाएगा, एक ही भी निकल गया कमरा। सो गाइस इसका छोटा सा बाथरूम है, किसी को किसी ने आना हो तो सर्वेंट नहीं है किसी ने, उसको यहाँ ठहरने के लिए कमरा बना दिया बड़ा सही। तो गाइस सर बता रहे थे अभी पत्थर के बारे में, तो ये पत्थर मनाली से लाया गया है यहाँ से 55 किलोमीटर दूर से, तो ये पत्थर आया है उसके बाद इसको तराशा गया है और तराशने के बाद लगाया गया है। सर एक तराशा नेपालियों ने है ना, इसके अलग ही होते हैं ना मिस्त्री, तो गाइस इसके लिए मिस्त्री भी अलग होते हैं, काम बढ़िया हुआ है, ऐसा लग रहा है होटल टाइप है। इतना है पार्किंग के लिए जगह, कम से कम एक दो तीन और यहाँ खड़ा नहीं तो चार पाँच, पाँच गाड़ियाँ आराम से आ सकती, फिर भी स्कूटी बाइक लगने की भी जगह है, इतनी जगह है यहाँ। सर ये लैंड कितना है, 8.5 विश्व, 8.5 विश्व है गाइस, 4 विश्व में घर बन जाता है और ये उसका डबल है। अगर कोई मुझे ऐसा ऑफिस या कंपनी मिल जाती है तो रेंट आउट भी दे, हाँ अगर सर को कोई कंपनी मिल जाए जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उसको भी दे सकते हैं रेंट के लिए, रेंट पर्पस से भी ठीक है, बढ़िया बना है एरिया भी अच्छा है, शांत एरिया है, यहाँ कोई हो नहीं है, गाड़ियों की टींटा नहीं है। तो ये था SDO साहब का घर।